दोस्तों, अगर आपको जो है कि पानी पीने का प्रॉब्लम, अगर पानी पीने वक्त ही जो है कि आप भी अगर जो है कि ऐसे ऐसे घूर घूर के देखते हैं, और घूर घूर के देखने के जैसे ऐसे पानी को देखना जिस चीज से आपको डर लग रहा था, हो सकता है किसी को जो है कि पत्थर से, किसी को कीड़ा से, किसी को मकड़ा से, किसी को जो है कि किसी को तेलचट्टा से, किसी को छिपकली से, किसी को सांप से, ये सब चीज से किसी को डर लगता हो, और जो है कि पानी के अंदर भी लगता हो, किसी जो है कि उस टाइप का जो है चीज आपको लगता हो कि है नहीं पानी में, लेकिन आपको जब पानी पीते हो तब तो आपको दिखाई पड़ता हो। तो ये सब जो है कि ओसीडी में ऐसा होता है, जो है कि अगर आपको अगर ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, और आप इस वीडियो में जानेंगे कि ये सब जो होता है ये क्यों होता है, और जो है कि ये किस तरह से आपका ठीक होगा, इस वीडियो में जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश कुमार, मैं एक ओसीडी सफरर और ओसीडी काउंसलर भी, और जो है कि हम इसको आज इस वीडियो में जानते हैं कि पानी, जब आप पानी पीते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको जो है कि डर लगता हो कि इस पानी में कहीं कीड़ा तो नहीं है, जबकि है नहीं, आपके माइंड में वो इमेज आ गया। जैसे ही वो इमेज आया तो आप घूर घूर कैसे करके घूर घूर के देखने लगे कि हाँ कुछ है भी तो नहीं, तो फिर आप पानी पीते नहीं है, फिर देखने लगते हैं, जैसे कि अभी हम पी के अब दिखाते हैं कोई पानी साफ है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अब जो है कि देखिए क्या होता है कि जब ओसीडी सफरर को, जिनको भी ये बीमारी होता है ना, तो वो पानी को पीते नहीं है और पानी को बार बार देखते हैं, और माइंड में वो इमेज बनता है, और बाय चांस देख लिए कुछ भी नहीं है फिर पी लिए, तो उनको माइंड में अब जो हाइपर एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपर जो है कि कुछ धड़कन तेज, ये सब होने लगता है कि जिससे किसी को लोहा वाला आ गया, कि जो है कि पानी में लोहा का कहीं कील दिखाई पड़ गया, और जो है कि नहीं वहां पर है नहीं पानी में, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि जो है कि जैसे एक ओसीडी सफरर ने मुझे बताया था ऐसा ऐसा चीज होता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि उनको जो है कि घबराहट बेची, जबकि है नहीं, वो बता रहे कि कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको जो है कि अब मन में वो लोहा ये सब चीज के बारे में जो है कि हमें एंजाइटी होने लगता था, एंजाइटी होने से हमें डर लगता था, हमें बेचैनी हो जाता था, अब हमें माइंड जो है कि हम दूसरा काम भी कर रहे हैं तो मेरा मन उसी चीज पे फोकस है, और हमें जो है कि एंजाइटी दे रहा है जिससे कि जिससे वो परेशान हो जाते थे। अगर आपको अभी ऐसा सिस्टम है तो हो सकता है कि इसमें क्या होता है कि ये माइंड जो है ना, इसमें क्या करता है, इमेजिनेशन पार्ट को, जो आंख से देख रहे हैं ठीक, वो पार्ट आंख से जो देख रहे हैं तो वो तो देख ही रहे, जैसे हम अभी मोबाइल को देख रहे हैं तो जो है कि मोबाइल दिखाई पड़ रहा है, और इमेजिनेशन पार्ट में, इमेजिनेशन माइंड के अंदर एक होता है इमेजिनेशन, जब जो कि थॉट होता है, आप देखेंगे कि आपके अंदर भी इमेजिनेशन पार्ट होता होगा, वो इमेजिनेशन पार्ट को भी रियल मानने लगता है, मतलब सच मानने लगता है जब आप पानी पी रहे। वो कैसे होता है, जैसे आप अभी जाते हैं रसगुल्ला की दुकान पे जाते हैं, तो रसगुल्ला देखते ही आपको मिठास का एहसास होता है, मिठास का एहसास होता है, उसी तरह से आप पानी जब पीने जाते हैं ना, तो वो सब चीज का, जिस चीज से आप डर रहे होते हैं ना, वो सब चीज का एहसास होने लगता है, एहसास होने से वो इमेजिनेशन जो आता है, जैसे रसगुल्ला खाने जाते हैं तो वहां इमेजिनेशन आपको देखते हैं, वहां मिठास का एहसास होता है, उसी तरह से जो यहाँ पर भी एहसास होता है कि वो वही चीज है जिस चीज से आपको डर लगता है, जिस चीज से आपको रिलेटेड इमेज आता हो, उनको तो वो था, आप कोई और कोई भी दूसरा शब्द जो है कि हो सकता है जो है कि, तो उससे रिलेट कर लीजिएगा अपने आप को कि वो अंदर में जो है ना, मतलब एक प्रकार का इमेजिनेशन आता है, इमेजिनेशन आने की वजह से जो है ना वो सच सा लग रहा होता है, माइंड जो है कि हमारा अंदर का माइंड जो है कि उसको सच मान रहा होता है, जबकि वो आपका जो है कि पार्ट है इमेजिनेशन वाला, लेकिन जो है कि वो उसको सच मान रहा होता है, माइंड सच मान रहा होता है, जिससे कि आप डर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसमें हाइपर एंजाइटी होता है, जो है कि लगने लगता है कि क्या हो रहा है, जो है कि हमें क्या हो गया है, ये सब चीज क्यों हो रहा है, और जो है कि लोगों को पता नहीं होता है कि ये सब कैसे ठीक हुआ है, इसका क्यों हो रहा है, तो आपको पता चल गया ये इमेजिनेशन को सच मानता है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ टिप्स देते हैं कि इसको ठीक होने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ओसीडी सफरर को ठीक होने के लिए, ये तो सबसे पहले तो ये एक ओसीडी बीमारी है, और इसको जो है कि आप इसको ओसीडी का प्योर फॉर्म भी मान सकते हैं, क्योंकि ये माइंड में ही आप कुछ कुछ थॉट बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ कुछ निगेटिव थॉट आती है, फिर उससे रिलेटेड कुछ और थॉट आ जाती है,
तो इस पे आप जो है कि बनाते रहते हैं, कुछ थॉट और बनाते हैं जिससे आप फंस जाते हैं। तो इसको ठीक करने है क्या है, सबसे पहले समझना है कि ये माइंड का इमेजिनेशन का पार्ट है जो है, इस इमेजिनेशन के पार्ट को जो है कि रियल नहीं मानना है, जो है कि मानना है कि ये हमारा माइंड, हमारे माइंड के अंदर अवचेतन मन है, ये जो है कि हमारे अवचेतन में चले गया है, जो है कि ये एहसास करता है कि वो चीज है, और उस चीज को जो है कि माइंड सच मानने लगता है। और इसको जो है कि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं, रियल चीज जैसे आंख से जो चीज दिखाई पड़ गया तो वो जो है कि सच है। जैसे एक चीज, एक वह एक सेंटेंस हम बोलते हैं जो है कि उसको अगर आप जो है कि ध्यान सुनिए, हमारी आंख जैसे है, हमारी आंख जब हम बंद करते हैं, आंख जब हम आंख खोलते हैं तो जो चीज भी आंख के सामने में आता है तो वो चीज स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है। जैसे कि आप आंख से जो है कि गंदी टॉयलेट को देखते हैं तो क्या आपकी आंख खराब हो जाती है? क्या आप वही वही आंख से जो है कि जाते हैं मंदिर को, गुरुद्वारा को, मस्जिद को देखते हैं तो क्या आपकी आंख ठीक हो जाती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या होता है कि आंख के सामने जो चीज दिखाई पड़ेगा वो चीज जो है कि आपको दिखाई पड़ जाएगा, मतलब वो चीज आपको जो है एक्चुअल दिखाई पड़ जाएगा, उससे आंख पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी तरह से हमारे माइंड में भी कोई भी थॉट आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, कोई भी निगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी थॉट आए, उससे जो है कि हमारा माइंड पे कोई असर नहीं पड़ता है। हम माइंड पे कब असर पड़ता है? जब उसको वैल्यू देते हैं, जब उसको जिस चीज से हम उसको मानने लगते हैं, वैल्यू देने लगते हैं, उससे उसके बाद वो हम लोग के माइंड के ऊपर असर करने लगता है। तो यहाँ भी ये बात समझने वाला है, वो जो आ रहा है ना, उस थॉट को अगर कुछ दिन के लिए वैल्यू ना दे, अनजान होके करे तो आपका ओसीडी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर इससे आपका ओसीडी ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है कि काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग में जो है कि हम और भी डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे ओसीडी जो है कि आपका ये ठीक हो सकता है। इस वीडियो में यहीं तक फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और दिए गए नंबर पर हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों तक शेयर करें और लोगों को भी जो है कि इस वीडियो के बारे में फायदा हो। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।